नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज चैनल से। कैंसर जिसका नाम सुनते ही हर किसी के होश उड़ जाते हैं, एक मन में घबराहट हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक अचानक अंदर से भय उत्पन्न हो जाता है। मैं इस समय मौजूद हूँ उजाला हॉस्पिटल रामनगर वाली रोड यूनिट 2 में, जहाँ पर आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शलभ अरोरा जी, जो एम्स से कैंसर का प्रशिक्षण करके भी आए हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि कैंसर की जो इसको देखकर आदमी एकदम डर जाता है, क्या कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, हालांकि आज साइंस बहुत आगे पहुँच चुका है, उसको किस तरीके से देखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि कैंसर का नाम सुनते ही एक जहन में एक डर सा उत्पन्न हो जाता है, आखिर है क्या चीज़? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि कैंसर सुनते ही जो आपने बताया लोग डर जाते हैं, आई थिंक अब वो दौर चला गया है कि आपको कैंसर सुनते ही डरने घबराने की ज़रूरत अब नहीं है। कैंसर सबसे पहले समझ लें कि ये होता क्या है। हमारे शरीर के किसी भी भाग की कोशिकाओं को अगर वो अनियंत्रित तरीके से फैलने लगे और बढ़ने लगे तो इसी बीमारी का एक सरल भाषा में नाम है कैंसर। और कैंसर में जो सबसे जरूरी मुद्दा होता है वो होता है स्टेज का, बीमारी को जल्दी पकड़ने का। और जो ये भय का वातावरण कैंसर को लेकर था, इसका मुख्य कारण ये है कि हम कैंसर को समय से पकड़ नहीं पाते, समय से इलाज नहीं करवाते और ज़्यादातर केस हमारे पास लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, इसीलिए इस बीमारी को लेकर इतना डर और भय पैदा हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, वो किस प्रकार से? तो ब्रेस्ट कैंसर इस समय, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि ये विश्व में और भारत में भी ये नंबर वन कैंसर है। और जैसा आपने कहा कि धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे देश में पिछले साल लगभग 2 लाख केस हुए और 1 लाख मृत्यु हुई है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो ये एक जीवन शैली को लेकर के होने वाला कैंसर है, जो कि बढ़ती उम्र एक कारण है, हार्मोनल चेंजेस हैं और शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, इनसे होता है। और ये ब्रेस्ट कैंसर में एक अच्छी बात यह है कि ये सतह का कैंसर है। अगर पेट का कैंसर हो तो आप शायद उसका समय से पता ना लगा पाएं, लेकिन ये सतह पर है, आप आराम से उसको समय से पकड़ सकते हैं और निवारण कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर अपनी उजाला हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, तो मरीजों को किस प्रकार से कैसे मिलने का समय है, कब आपसे मुलाकात हो सकती है? तो अभी हमने सप्ताह में एक दिन यहाँ पर जो है कैंसर की ओपीडी स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम हर बृहस्पतिवार को 11 से 2 बजे तक यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और इसमें ऑलरेडी हम लोग कैंसर के इलाज भी शुरू कर चुके हैं, काफ़ी मरीजों को हम लोग कीमोथेरेपी टारगेट और इम्यूनोथेरेपी दे चुके हैं। अभी 2 महीना हमें हो गया है यहाँ पर सप्ताह में एक दिन आते हुए और लगभग 30 के करीब मरीज ऑलरेडी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। जी, मेरे ख्याल से ऊधम सिंह नगर में पहला ऐसा सेंटर है कि जहाँ पर अब आप बैठ रहे हैं। जी जी, अभी यहाँ पर हमने कैंसर सेवाओं की शुरुआत अभी 2 महीने पहले ही ऊधम सिंह नगर में करी है। जी, तो जिस तरह से कैंसर को लेकर बताया है कि जो कैंसर एक लाइलाज बीमारी अब नहीं कह सकते, चूंकि सब कुछ आगे बढ़ चुका है, तो ऐसे में जो खान पीन है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है, इस पर हमें भी ध्यान देने की जरूरत है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।